नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि लेकर आई हूं आपके लिए अपना एक खास बुलेटिन। अपना उत्तर प्रदेश हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट प्रभारी राम नयन को ज्ञापन देते हुए बताया कि हिंदू जागरण मंच लंबे समय से मदरसों व मौलवियों के लिए क्रियाकलापों को देखते हुए इनकी पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने व साथ ही जाँच की मांग करता आ रहा है। तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जिले जैसे कि बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच ने भी यह मुद्दा उठाया था और संगठन के प्रयासों से कुछ लोगों की घर वापसी भी हुई थी। आपको बता दें कि पहले भी उमर गौतम जहांगीर को धर्मांतरण करने के जुर्म में एटीएस ने गिरफ्तार किया था और बहुत बड़े रैकेट का खुलासा भी हुआ था। तो वहीं 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध धर्मांतरण का देशव्यापी सिंडिकेट चलाने वाले धर्मांतरण को विदेशों में हवाले के जरिए फील्डिंग करने में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है, जो शरीयत के अनुसार व्यवस्था लागू करने व साथ ही जनसंख्या अनुपालन बदलने के उद्देश्य से वृहद स्तर पर धर्मांतरण करवाता था। तो वहीं उन्होंने देश भर में यह धर्मांतरण का अवैध रैकेट मदरसों की फील्डिंग से तैयार की है और हिंदू जागरण मंच जनपद के सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग भी की गई है। अंकित बड़ोली, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच बागपत। आज किन मुद्दों को लेकर आप लोग कलेक्टर? आज हम कलेक्ट्रेट में आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल जी के संबोधन में हम आज ज्ञापन देने आए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो मदरसे हैं, मदरसों की जांच की जाए, जो मदरसों में तालीम देते हैं उनकी जाँच की जाए, उनका पृष्ठभूमि चेक किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को चेक किया जाए, उसमें कैमरे लगाए जाए, वहाँ की पारदर्शिता देखी जाए। अधिकतर जो देखा जा रहा है अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी जो पकड़े गए हैं, ये भी तालीम देते थे और ये बड़ा रैकेट चला रहे थे धर्मांतरण का। हवाला से इनके पास पैसा आता था। हम इसमें मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सभी विषयों पर, प्रत्येक बिंदु पर इनकी जांच की जाए, मदरसों की पारदर्शिता की जाए, वहाँ पे जो तालीम देते हैं उनकी भी आर्थिक और पृष्ठभूमि को चेक किया जाए। एक आईएएस की जो है भूमिका धर्मांतरण में संदिग्ध नजर आ रही है, हिंदू जागरण मंच का क्या स्टैंड है? अभी उसकी जांच की जा रही है। हम उसमें कठोर से कठोर मांग करते हैं, एक आईएएस को इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए थी। उनके लिए सभी धर्म और सभी जाति सब सामान्य होता है, पर लेकिन उसकी अभी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो उस समय मंडलायुक्त था वहाँ का, कि जो है मुस्लिम धर्म को बढ़ोतरी, उसकी बढ़ोतरी के लिए तालीम दे रहा था, वो उसके बारे में बता रहा था कि मुस्लिम धर्म में आ जाए। कल भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कराया, सैकड़ों की संख्या में थे। मैं कहते हैं मौलाना कलीम जो है इसमें वो नहीं है, लिप्त नहीं है, बेगुना है। देखो उनका विषय अलग है, अगर वे कह रहे हैं उनके कहने से कुछ नहीं होगा। एटीएस ने वो पकड़ा है, किसी छोटी मोटी कंपनी ने नहीं पकड़ा है, और एटीएस ने पकड़ा है, उसकी जांच की जा रही है, वो बिल्कुल 100 के 100 उसमें पाएगा। हिंदू जागरण दर्शकों से मांग उठाता है, मदरसों की इनकी जांच करवाने की दर्शकों से मांग करता है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। हिंदुस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन जैसी साजिश हिंदू जागरण मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए हम डीएम कार्यालय आए हुए हैं। क्या मांग आपकी? हमारी मांग है इसकी गहनता से जांच हो, जो आरोपी हैं उनको कठोर, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, उनको जेल में रखा जाए, बाहर की आबो हवा उनके लिए ठीक नहीं है। वो तो पहले ही हिरासत में है। पहले हिरासत में है, उनके संबंधी अभी बाहर हैं, उनका पूरा एक नेटवर्क है जो पकड़ा जाना अति अनिवार्य है। ये लोग माहौल ख़राब कर देंगे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो पवित्र भूमि है उसको गंदा करने में इन लोगों का बहुत। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर गैस पाइपलाइन लीक हो गया, जिसके बाद सूचना पर कई थानों की गाड़ियां वहां पहुंची। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर गाड़ियों ने पहुंच करके गैस पाइपलाइन को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी का छिड़काव किया। तो वहीं मेन चौराहा होने के कारण चौराहे को सील भी कर दिया गया। वहीं साथ ही फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन मिल करके गैस पाइपलाइन को ठीक करने की कवायद उन्होंने शुरू की और इसको लेकर के प्रशासन में हड़कंप भी मच गया। जगह जगह शहर में बिछी हुई पाइपलाइन ब्लास्ट होने की आशंका पर सुरक्षा पुख्ता कर दिया गया है। वहीं आसपास की दुकानों को भी बंद करा दिया गया और इसके साथ ही इस पर काबू भी पा लिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां पर झांसी के चित्रा चौराहे पर उस समय सनसनी फैल गई जब देखते ही देखते इंडिका कार आग का गोला बन गई।
जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं कार में आग लगने के बाद बड़ी मशक्कतों के साथ कार सवार लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं आपको बता दें कि वहां पर उपस्थित किसी नागरिक ने कार के जलने का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां पर गोंडा जनपद के पीलीभीत से है, जहां पर जम्मू तीर्थ का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। यह स्थान आज से नहीं बल्कि हजारों सालों पुराना है, जो कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में आता है, जिसको वर्तमान सरकार ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से हटा दिया है और उसी को लेकर के यहाँ के क्षेत्रवासी लोगों ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में शामिल करने के लिए यहाँ के समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह को ज्ञापन देकर शासन और प्रशासन को भी अवगत कराने की बात कही है। तो वहीं योगेश प्रताप सिंह ने कहा है कि यहाँ के क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, इस बात को भी अवगत कराया जाएगा कि इसे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में शामिल किया जाए। यहाँ आए क्या कार्यक्रम था, यहाँ आपने प्रशासन से क्या मांगे रखी है? देखिए, आज यहाँ आने का उद्देश्य जम्बू तीर्थ, जो हमारे क्षेत्र की एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, इसके संबंध में आज से 3 दिन पूर्व इस जम्बूद्वीप के जो महान जी हैं, त्यागी जी, स्वामी मोहनदास जी, ये मेरे पास गए थे। इन्होंने मुझे अवगत कराया कि जो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग जो बनाना प्रस्तावित है, उसमें जम्बूद्वीप का स्थान वहां से हटा दिया गया है। सर, ये जम्बू तीर्थ का क्या महत्व है, इसका पौराणिक महत्व क्या है? जी हाँ, जम्बू तीर्थ 84 कोसी अयोध्या के अंतर्गत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर अगस्त मुनि ने तपस्या की है, धुंधला मुनि ने तपस्या की है और देव शर्मा नाम का एक वेदपाठी ब्राह्मण था, जिसके स्थान पर एक बार एक सियार आया और उसकी मृत्यु हो गई, अंत में बैकुंठ को प्राप्त। अगली खबर फरुखाबाद से है, जहां पर गायब युवक का दबंगों ने घर के बाहर शव फेंका। आपको बता दें कि दबंग युवक का शव देर रात घर के बाहर ही कुंडी बजा करके घर का वहां पर शव फेंका गया और दबंग वहां पर शव फेंक कर फरार हो गए। तो वहीं परिजनों ने युवक का शव गेट के बाहर पड़ा देख पुलिस को सूचना दी और परिजन युवक को लेकर CSC पहुंच गए, जिसके बाद डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं परिजनों ने हत्या करके शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों की जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही युवक किसी लड़की को लेकर उसके घर से भाग गया था। अनुमान के अनुसार उसी रंजिश में परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला कायमगंज क्षेत्र के प्रेमनगर में दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब 9 साल के बच्चे की एक क्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई है। बच्चे के इस दर्दनाक मौत से गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया, साथ ही रास्ते पर ट्रैफिक जाम होने से मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझा कर ट्रैफिक खुलवाने की कोशिश की। आपको बता दें कि दरअसल मामला थाना रोजा के असालिया रेलवे फाटक की है, जहां पर गुस्साए परिजनों ने बच्चे की मौत पर 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भी की है। अगली खबर आगरा से है, जहां पर आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में सेंध लगी है। आपको बता दें कि ताजमहल के प्रतिबंधित एरिया में ड्रोन के उड़ान करते हुए देखा गया है, जिसके बाद ताज सुरक्षा की टीम ने उड़ते हुए ड्रोन को गिरा दिया। वहीं ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोगों को ताज सुरक्षा टीम ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि टीम ने ड्रोन उड़ाने वाले लोगों से ड्रोन भी बरामद किए हैं और साथ ही ड्रोन उड़ाने वाले लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं ये ड्रोन कहाँ से आया और कैसे आया, इस बात की पुलिस जाँच में लगी हुई है। आपको बता दें कि ड्रोन दिखते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसी तुरंत ही हरकत में आ गई। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं पूछताछ करने के लिए ले गई है और इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि ताज में उनको इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि ताज में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि पूरा मामला आगरा के थाना एतमोदेला का बताया जा रहा है।
अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पर बीटीसी का पेपर लीक हो गया है, जहां जिला अस्पताल परिसर में एक सैकड़ा से भी अधिक परीक्षार्थी बीटीसी की परीक्षा से पूर्व ही मोबाइल से बीटीसी का पेपर उतारते हुए नजर आए। जैसे ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया। वही आनंद फानन में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें से पुलिस ने मोबाइल से पेपर उतारते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। अगली खबर ताजनगरी आगरा से है, जहां पर आगरा में उस समय हड़कंप मच गया जब पावर हाउस में भीषण आग लग गई, तो वहीं आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। वहीं सूचना पाकर आनंद फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस आग लगने के कारणों का अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के शास्त्रीपुरम का पूरा मामला बताया जा रहा है। भारत में आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके कारण संपूर्ण भारत में आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इसी के मद्देनजर जगह जगह पर आजादी के अमृत महोत्सव यात्रा भी निकाली जा रही है। तो वहीं टाइगर सुरक्षा व जागरूकता अभियान की रैली भी निकाली जा रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर के डिप्टी डायरेक्टर ने पीलीभीत टाइगर को फ्लैग मार्च दिखा करके रवाना किया है। साथ ही पीलीभीत टाइगर ने दुधवा टाइगर के रिजर्व टीम की जोरदार स्वागत भी किया है, और टीम ने रैली यात्रा को बैंड बाजे के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि यात्रा नगर पूरनपुर होते हुए ग्रामीण इलाकों में भी भ्रमण करेगी, और साथ ही टाइगर की सुरक्षा से संबंधित जानकारी भी सभी लोगों को देगी। इंडिया में 51 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 9 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो 1973 में ही बनाए गए थे। NTCA द्वारा इस प्रकार से इसका संचालन किया जा रहा है कि ये सभी यात्राएं इन्हीं 9 टाइगर रिजर्व में जाकर के इनका समापन होगा, जो हमारी इस सीरीज की यात्रा है। ये दुधवा टाइगर रिजर्व से शुरू होकर के पीलीभीत होते हुए, मुरादाबाद होते हुए, राजा जी होते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क पे समाप्त होगी। तो पूरी श्रृंखला है 51 टाइगर रिजर्व से पूरे भारतवर्ष में। ये 51 टाइगर रिजर्व ये 9 जगह जो बड़े समाज हुए हैं वहाँ पर समाज का संस्कृत करेंगे, तो उसी कड़ी में मैं ये जो अपना ये लैब है जो ये एक तरीके का रिले रूप है, तो बैठक में दुधवा टाइगर रिजर्व से लेकर आया हूँ। वहाँ पर भी बड़े आयोजन हुए हैं और कुछ गोष्ठियाँ हुई हैं, कुछ लोग साइकिल रैली हुई है, जागरूकता फैलाने का भी काम किया गया है, उस तरह के कार्यक्रम आज। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABC स्टार न्यूज़।